हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग तुम ही आना। और इस सॉन्ग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी मुझे, और काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि थोड़ा सा मेरी तबीयत नहीं सही थी और मेरे घर में थोड़ा पेंटिंग का काम चल रहा था जिसकी वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो ये वीडियो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के जल्दी जल्दी में आप लोगों के लिए बना दी, और आप लोगों ने इतनी ज़्यादा और इतने प्यार से रिक्वेस्ट करी है तो इसलिए मैं इसका रिटन नोट्स अपनी वेबसाइट पर लिख के डाल दूंगा, और साथ ही साथ इसका बैकिंग ट्रैक भी मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको सुन के इसको सीख के आराम से प्रैक्टिस कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सॉन्ग शुरू होता है एक बहुत ही खूबसूरत से इंट्रो के साथ, जो यहाँ से शुरू होता है 5 ऑन सेकेंड स्ट्रिंग, देन 7 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, then 5 on first string, then 8 on second string, then 7 on second string, then 8 on second string, then 5 on second string. इसको धीरे से प्ले करते हैं, ऐसा आएगा। इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट यहीं से स्टार्ट होगा, 5 on second string, then 7 on third string, then 5 on first string, then 8 on second string, then 7 on second string, then 5 on second string, then 7 on second string, then 7 on third string. इसको धीरे से प्ले करते हैं, ऐसा आएगा। पहले पार्ट से लेके आते हैं, ऐसा आएगा। यहां तक आए, उसके बाद बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट स्टार्ट होगा 7 ऑन थर्ड स्ट्रिंग, देन 5 ऑन थर्ड स्ट्रिंग, देन 7 ऑन थर्ड स्ट्रिंग, देन 7 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 8 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 5 ऑन सेकंड स्ट्रिंग। यहां तक हो गया, उसके बाद अब बढ़ते हैं मेन सॉन्ग पे। तो मेन सॉन्ग स्टार्ट होता है यहां से 12th ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, 12 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 10 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, then 13 on second string, then 10 on first string, then 13 on second string, then 12 on second string. इसको हम लोग रिपीट करेंगे दो तीन बार जितनी बार जरूरत होगी। इसको ऐसे तीन बार रिपीट करेंगे और यहां पर रुकेंगे नहीं, यहीं से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, 10 on second string, then 12 on third string, then 10 on second string, then 10 से 12 स्लाइड कर देंगे। एक बार मैं मिलाकर प्ले कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले पार्ट पे। तो अगला पार्ट यह लाता है बहुत आई गई यादें, तो ये पार्ट स्टार्ट होगा यहां से 9 ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, 9 ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, देन 12 ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, देन 11 ऑन थर्ड स्ट्रिंग, देन 12 ऑन थर्ड स्ट्रिंग, देन 9 ऑन थर्ड स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे, 9 ऑन थर्ड स्ट्रिंग, देन 9 से 11 हैमर कर देंगे, देन 9 ऑन थर्ड स्ट्रिंग, देन 12 ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, then 9 से 11 स्लाइड कर देंगे थर्ड स्ट्रिंग पे। तो यहां तक एक बार मैं प्ले कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आ गए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अगला पार्ट स्टार्ट होगा यहां से 12 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, 12 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, then 10 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, then 13 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, then 12 on second string, then 12 से 11 स्लाइड करेंगे हम लोग थर्ड स्ट्रिंग पे, then 11 on third string, then 10 on second string, then 12 on third string, then 11 से 9 हम लोग स्लाइड बैक करेंगे, then 9। इसको एक बार मैं प्ले कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। Thank you.
ठीक है, इसको हम लोग रिपीट करेंगे हमको जितनी बार रिक्वायरमेंट होगी। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। तो अगले पार्ट पे चलने से पहले इस पार्ट को एक बार मैं पूरा मिलाकर प्ले कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही इंट्रो प्ले करेंगे जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में सिखाया था। उसको मैं फिर से नहीं सिखाऊंगा क्योंकि बार बार वो रिपीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगली लाइन पे। तो अगली लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से, 12 on 2nd string, 12 on 2nd string, देन 13 on 2nd string, देन 10 on 1st string, देन 13 on 2nd string, देन 12 on 1st string, then 10 on 1st string, then 13 on 2nd string, then 12 on 2nd string, then 10 on 2nd string। इसको एक बार मैं मिलाकर प्ले कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां तक हो गया। उसके बाद फिर अगला पार्ट यहीं से स्टार्ट होगा, 10 10 on 2nd string, then 12 on 2nd string, then 13 13 on 2nd string, then 12 on 1st string, then 10 on 1st string, then 13 on 2nd string, then 12 on 1st string, then 10 on 1st string, then 13 on 2nd string, then 12 12 on 2nd string। इसको एक बार मैं मिलाकर शुरू से प्ले कर देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तक आएंगे, उसके बाद फिर इसको फिर से रिपीट करेंगे जितनी बार रिपीट हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे और 3 नोट और ऐड करेंगे ऐसे, 10 on 2nd string, then 12 on 3rd string, then 11 on 3rd string। उसके बाद फिर हम लोग वही रिपीट करेंगे जो मैंने आपको पहले सिखाया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ करके। फिर 3 नोट और करेंगे। ठीक है, वही पार्ट जो मैंने आपको पहले बताया था। तो बस ये सॉन्ग यहीं पर हो गया और आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और इसके रिटन नोट्स ले लीजिए और मैंने बैकिंग ट्रैक भी डाल दिया है, वो भी ले लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।